राम राम जी। मैं भाई आपका नीरज प्रजापति, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस हम गए थे खाटू श्याम और बालाजी। पूरे सफ़र में हमारा सबसे बढ़िया टूर तो रहा खाटू श्याम का। खाटू श्याम में हमारे साथ कोई मतलब सही या खाटू श्याम में बढ़िया है। तो हम खाटू श्याम के दर्शन करके गए, वहाँ पर दर्शन बढ़िया तरीके से कर लेते। तो हम वहाँ से फिर निकल गए बालाजी की तरफ के लिए। तो बालाजी में हम पहुँच गए थे रात के समय। फिर हमने वहाँ पे एक कमरा लिया, आराम करा, वहाँ पे सोए अपने। सुबह को उठे तो दर्शन करके फिर हम निकल गए अपने घर के लिए, यहीं यूपी के लिए, ग्रेटर नोएडा। तो हम दर्शन वर्शन कर लिए थे। फिर वहाँ पे जो लोकल के लोग होते हैं उनके साथ थोड़ी हमारी मूव ऐस हुई। गाड़ी में बैठा लिया मैं कि इतने रुपए किराया दे दियो, कह रहा कि हमसे भाई सुबह से खड़ा हूँ, हमारी गाड़ी ना भरी है, तुम बैठ जाओ, 50-50 रुपये दे देना। तो ये उसने अपनी गाड़ी में से उतार के हमें दूसरी गाड़ी में बैठा दिया कि ये हमसे तेज़ गाड़ी चलाएगा, जल्दी पहुँचा देगा आपको। उनकी ठीक है, हमने उससे पैसे वैसे की पूछी नहीं उनकी, शायद उसने बता दिया होगा 85 रुपये ले गई। तो हम बैठ गए तो घनी देर में भैया सवारी फुल करके वो चला फिर अपने। तो हम पहुँचते नहीं भैया, मैंने उसे 100 रुपये दिए और जिसने जिस गाड़ी वाले ने हमें बैठाया वो हमें वहीं पर मिला। बंदूक हुई गए थे हम रेलवे स्टेशन, वो हमें पहले ही वहीं पर मिला था, वो बाद में पहुँचा था। तो ये मैंने उसे 100 रुपये दिए भैया, वो 100 रुपये ने लेने को तैयार। तो फिर मैंने जिसने हमें गाड़ी में बैठाया मैंने उसे बुलाया, मैंने कि भाई हमारी कितने में बात हुई। तो बोला कि यार ये अड़े 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 कर रहा था, ऐसी है वैसी है। तो भाई उस समय थोड़ी मेरी मुँह बहस हुई। तो भाई अपने सफ़र में यही है कि वहाँ के लोकल के लोग थे कुछ, टूरिस्ट लोग को तो कहीं का भी है कहीं भी जाओ भाई थोड़ा बहुत परेशान कर रही हैं। बोले क्या है, पहले प्यार से बोलेंगे फिर उसमें बैठा लेंगे, चाहे वो होटल हो, गाड़ी हो, कुछ भी हो, अपना रूम ही क्यों ना हो, कमरा ले होटल या वो जो वहाँ के खाने पीने की चीज़ें बोलेंगे कुछ, जब वो खा उस सामान में हम ले लेंगे, बाद में ही इतने का होगा, थोड़ी ऐंट दिखाएंगे, बदतमीजी से बात करें। तो वही सीन था हमारे। फिर हमने क्या करा, उसे 120 रुपये दिए। और हमने एक सीन और देखा था वहाँ पे, कुछ सरदार थे 4-5, लेडीज़ भी थी उसमें। तो एक आदमी था वहीं का लोकल राजस्थान का, तो भैया वो इतनी बड़ी बड़ी कैन बेच रहा था। तो पानी वाली तो शायद उससे बदतमीजी बोले, तो उस औरत ने उसे ढंग से गाली वाली सुनाई मारने के लिए, उसे चढ़ गई। तो भाई लोकल के जो वहाँ के कुछ लोकल हैं तो भाई वो लेडीज़ के ही काबू में आवे, बदतमीजी करें लोकल के। सामान वामान वाले भाई जो सामान बेचे वे भी कोई कोई तो सही है वैसे, बाकी लोग तो भाई ऐसा बात कर रहे जैसे क्या ही बोले भाई। तो पूरे सफ़र में हमारा यही था कि एक ना एक दो तो कहीं ना कहीं टूरिस्ट पर जाते हैं तो भाई कोई ना कोई तो मिल ही आवे ऐसा, ज़्यादातर तो कोई कोई है कोई बहुत बढ़िया से बात करें, पहले बताएंगे कुछ करेंगे कुछ। ये तो भाई फिर हम अपना टिकट लिया मेट्रो रेलवे स्टेशन से हमने दिल्ली का, बंदी हुई सब अपने रेल में बैठ गए भैया। फिर अपने दिल्ली कैंट उतर के हम मेट्रो से अपने सूरजपुर आ गए परी चौक तक। तो ये सफ़र था भाई अपना राजस्थान और बालाजी का। भाई एक न एक दो तो बेवकूफ़ मिल जाता कोई ना कोई भाई, यही अपना सफर। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और प्लस में सब्सक्राइब भी करते गाइस, अपने सब्सक्राइबर भी नहीं बढ़ रहे हैं, बहुत कम है, काफ़ी टाइम हो गया एक भी सब्सक्राइबर नहीं बढ़ा, 1.5-2 महीने हो चुके हैं। तो बस ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो इस व्लॉग को हम यहीं पर एंड करते हैं गाइस।